नीतीश कुमार की तो 42 को एमएलए है, लंगड़ी सरकार है। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। मेरे भाई नीतीश कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं, 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 को एमएलए है, लंगड़ी सरकार है, वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था, बंगाल पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में उनका MP घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के राज्य पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ, आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना यह चाहिए था कि क्या समझौता हो गया, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई, कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर एक सीट भी देंगे, वो हमको हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां। आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 MP जीती थी सपा, 2019 में भी उनके 5 MP जीते हैं, और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 MP आप ही के पास है। तो 2 0 को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा। अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई भाजपा के बी टीम आप हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है, ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। ये बैठ के जाकर वहां चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता तो आज से 20 वर्ष पहले देश विपक्ष मजबूत हो गया होता। ये लोग अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, क्या राजनीति करेंगे। तो सत्ता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद से आज छोड़ दे तो 5 को वर्कर उनके साथ नहीं मिलेगा आपको। हम नहीं उनके साथ रहे, हम नहीं जानते उनकी पार्टी का इतना दम है।